Now let's start with our first exercise of this chapter, that is 7.1. ठीक है, first question क्या है, सबसे पहले वो read कर लेते हैं. Find the volume of a cone if radius of its base is 1.5 सेंटीमीटर. मतलब आपको रेडियस दे दिया है. सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कोन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, रेडियस क्या है हमारा, 1.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर. आपको कोन का रेडियस भी दे दिया है एंड कोन का हाइट भी दे दिया है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लिख लेते हैं इन अ कोन, यहाँ पे कोन के बारे में बात हो रही है. रेडियस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर. ओके, पूछा क्या है हमें, फाइंड द वॉल्यूम. तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का. ओके, अभी वैल्यूज पुट डाउन कर लेते सबके. 1/3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम हमेशा 22/7 लेंगे. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. आर क्या है हमारा, 1.5 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर है तो इसलिए हम 1.5 टू टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज एच, हाइट इज 5 इंटू 5. ओके, नाउ अभी हम देखते हैं कैंसल हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें. इट इज 3 1 3, 3 5 15. ओके, बट डेसिमल पॉइंट है तो 0.5. तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 82.5 डिवाइड बाय 7. अभी अभी हम इसको कैंसिल करेंगे 7 के टेबल से तो हमारी वैल्यू आएगी 11.79 सेंटीमीटर. तो ये वॉल्यूम बोला है तो यहाँ पे हमारा क्यूब आ जाएगा. इफ एरिया आएगा तो वहाँ पे स्क्वायर आता है एंड वॉल्यूम बोलता है तो वहाँ पे क्यूब आता है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. हमको यहाँ पे डायमीटर दे दिया है एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर पूछा है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. ओके, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है. यहाँ पे किस कौन से वैल्यू की नीड है हमें, 4/3 हम एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू तो पता है हमें एंड आर की वैल्यू नहीं पता है. तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आर मीन्स आवर रेडियस. तो अगर डायमीटर दे दिया है तो डायमीटर का हाफ ही हमारा रेडियस होता है, राइट. तो हम लोग सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस डेट मीन्स डायमीटर डिवाइड बाई 2. तो डायमीटर कितना दिया है, 6 डिवाइड बाई 2, डेट मीन्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, हमारा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. एंड आपको यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू नहीं दी है. तो फॉर्मूलाज यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालने बोला है तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय, हम पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, दैट मीन्स रेडियस का क्यूब. रेडियस हमारा 3 है तो हम क्यूब करने की जगह उसको 3 टाइम्स लिख लेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे हम 22/7 क्यों ने लिए वो देख लेते हैं. अगर हम ये 3 1 3 है, ये 3 1 3 है, डायरेक्टली कैंसिलेशन हो रहा है. अगर यहाँ पे हम सपोज 22/7 लेते हैं तो कैंसिलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, और अभी क्या होगा, अगर हमने 3.14 लिया है तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे 22/7 की जगह हमने 3.14 लिया है. हम पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं या फिर 3.14 भी ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लिया वो मालूम पड़ा,
अभी इसको हम डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 तो हमने कैंसिल ही कर लिया है यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम ये पाई की वैल्यू लेते दैट इज 22/7, तो हमें फिर से कैंसिलेशन करना पड़ता, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे 3.14 की वैल्यू लिया है ताकि हम डायरेक्टली सब मल्टीप्लाई कर सकें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 113.04 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, एंड यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला है, कोन का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, सिलेंडर, ओके, एंड उसको हमें रेडियस दे दिया है, रेडियस का है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे हमें इनर सिलेंडर, ओके, रेडियस दे दिया हमें दैट इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया हमें दैट इज एच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ओके। तो पूछा क्या है हमें यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ओके, इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट डाउन करते हैं, 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, पाई के वैल्यू फिलहाल के लिए हम स्किप करते हैं बिकॉज हम सब वैल्यूज देखकर ही डिसाइड करेंगे कि हमें पाई की वैल्यू क्या पुट डाउन करना है, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। r मतलब हमारा रेडियस, रेडियस हमारा 5 है, ओके, देन ब्रैकेट अगेन r दैट इज 5 प्लस h, h मीन्स हाइट, एंड हाइट की वैल्यू क्या है हमारी 40, ओके। तो अभी हम भी यहाँ पे हम 22/7 लिखेंगे तो हमें डेफिनेटली कैंसिलेशन करना पड़ेगा, पर कैंसिलेशन नहीं होगा तो बेटर हम कैंसिलेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम 3.14 की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ ये और ये दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 10, तो 3.14 पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, देन अगेन मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट साइन है दैट मीन्स मल्टीप्लाई आएगा, एंड 5 प्लस 40 इज 45। अभी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 45 करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1413 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, वॉल्यूम रहता है तो हम क्यूब का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एरिया है तो एरिया में हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ विच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम स्पीयर के बारे में बात कर रहे हैं एंड आपको रेडियस दे दिया है, कितना रेडियस, 7 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस दे गिवन आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेते सबसे पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, फॉर्मूला हमारा 4πr², ठीक है, इज इक्वल टू 4 को हम एज इट इज रखते हैं, अगेन पाई की वैल्यू हम बाद में डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है। आर क्या है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम 3. अगर हम वैल्यू लिखते हैं 20/7 तो ये 7 एंड ये 7 इजीली कैंसिलेशन हो सकता है, तो हमें यहाँ पे 3.14 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए,
अगर कैंसिल नहीं होता तो हम 3.14 वैल्यू लिखते हैं, पाई के वैल्यू. ओके, तो अब इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट इज 88 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया पहले. तो 88 मल्टीप्लाई बाय 7 द वैल्यू इज 616 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला देखा. कौन से? एक देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या है? 2 पाई आर, देन ब्रैकेट आर प्लस एच. आर डिनोट्स फॉर रेडियस एंड एच डिनोट्स फॉर हाइट. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, क्या देखा हमने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एंड हम लोग पाई की वैल्यू सब सम्स के ऊपर डिपेंड है वैसा वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, अगर कैंसिलेशन होता है इजीली तो हम 22/7 लेते हैं. अगर कैंसिलेशन इजीली नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे हम 3.14 की जगह वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू. ठीक है, बट पाई की वैल्यू हमेशा ये दो ही रहती है. क्या रहती है पाई की वैल्यू? दैट इज 22/7 या फिर 3.14. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग, मतलब ये एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में, जैसे जैसे हम सम्स करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे फॉर्मूलाज के भी रिवीजन होंगे. ओके, तो हर एक सम में अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हुए एंड उसको सॉल्व किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज, क्या है? द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हमने क्यूबॉइड के बारे में बताया है. इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड. ओके, वो क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद कोन फॉर्म हो रहा है एंड द हाइट क्या है वो कोन का? दैट इज 24 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब हमें कोन का रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया सबसे पहले वो लिख लेंगे हम लोग. इन अ क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ओके, और हमें कोन का हाइट दिया है तो मतलब कोन ऑफ हाइट, तो उसको हम H1 डिनोट कर लेते हैं बिकॉज क्यूबॉइड का हाइट हमने H डिनोट किया है. तो कोन, और कोन के हाइट को हम H1 डिनोट कर लेंगे. क्या है? 24 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या बोला है कि वो क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद कोन फॉर्म हो रहा है. दैट मींस हम यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले वो कौन से फॉर्म में था? क्यूबॉइड को फॉर्म में था, मेल्ट होने के बाद वो कोन फॉर्म में हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल क्या है? 1/3 इनटू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, फॉर्मूलाज लिख लें, अब सबके वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं. लेंथ क्या है हमारा? 44 मल्टीप्लाई बाय, ब्रेथ क्या है हमारा? 21 मल्टीप्लाई बाय, हाइट इज 12. ओके, यहाँ पे 1/3 एज इट इज रहेगा. पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हमें कैंसिलेशन करने पड़ेंगे. इनटू आर मतलब रेडियस, रेडियस ही हमें फाइंड आउट करना है तो रेडियस को हम एज इट इज रखेंगे. इनटू हाइट ऑफ कोन कितना है हमारा? 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में एच वन डिनोट करूँगी बिकॉज हमारा, हमने एच वन डिनोट किया था कोन ऑफ हाइट को. ठीक है, अभी क्या करेंगे? सबको हम शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. ये वैल्यूज यहीं पे रहेगी. ठीक है, बाकी सब की वैल्यूज को हम यहाँ पे सब लेफ्ट साइड लाएंगे. तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं. क्या है? 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12. 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12. अभी
जो डिवाइड फॉर्म में है उसको साइड चेंज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट मीन्स 3 और 7 हमारा डिवाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. डेट इज मल्टीप्लाई बाय 3 × 7. और जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है उसको साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई में क्या क्या है, 3 और 7 तो हमारा साइड चेंज हो गया है, बचा क्या 22 R और 24. हम R को वही प्लेस में रखेंगे, बस 22 और 24 को ही साइड चेंज करेंगे. 22 और 24 = R² ओके. साइड चेंज करने पर जो डिवाइड फॉर्म में था वो मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एंड जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया. अभी इसे हम कैंसिलेशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, ओके. देन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. उसके बाद 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4. डेट मीन्स 2 × 12 = 24, ठीक है. हम और हम ट्राई करेंगे कि हम पे छोटे नंबर से ही डिवाइड करें. नाउ 12 × 1 = 12 और 12 × 1 = 12. तो वैल्यू क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे, सिर्फ ये 21 बच रहा है, ओके. एंड ये 7 × 3 = 21 एंड बाकी सब हमने कैंसिल कर लिया है. = R². यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर. डेट मीन्स रेडियस of a cone is 21 centimeter. ठीक है, यहाँ पे आपको क्यूबॉइड एंड कोन दो फॉर्म के बारे में बात हो रहा है, बट वो क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद ही आपका कोन फॉर्म हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया. दोनों के फॉर्मूलाज हमने लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड इज इक्वल टू 1/3 × π r² h. वैल्यूज पुट डाउन किया, शिफ्टिंग किया एंड हमने रेडियस ऑफ अ कोन दैट इज 21 सेंटीमीटर वैल्यू निकाला. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, ओके. एक कॉनिकल वाटर जग के बारे में बात हो रहा है एंड एक सिलेंड्रिकल वाटर जग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है. फर्स्ट इज कोन एंड द सेकेंड इज सिलेंड्रिकल, ठीक है. एंड आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, दैट इज कोन का रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल वाटर जग का रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, मतलब ये सिलेंड्रिकल पॉट कितने जग ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फॉर्मूला सबसे पहले हम बनाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, कितना होल्ड कर रहा है तो मतलब ये वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग करेंगे, ठीक है. तो इससे हमारा नंबर ऑफ जग्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. क्या किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग के बारे में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जग का फॉर्मूला क्या है, π r² h डिवाइड बाय, ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल जग का. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 × π r² h, ठीक है. अब फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है. तो π कट हो गया, बचा क्या,
आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 1/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में है क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। आर क्या है हमारा, 7 है, डेट मीन 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 10, ओके, देन 1/3 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एच। आर क्या है हमारा कोन का, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 देन मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितना है हमारा 10, ओके तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टेन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अभी ये 3 जो 1/3 है उसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ओके ये 1/3 था, इसको हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हो गया, ये 3/1 हो गया, और न्यूमरेटर में हम 1 नहीं लिखते हैं, डेट मीन्स अगर कैंसिलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 × 3 डेट इज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, मतलब हमारा 12 जग्स ये सेंट्रिकल पार्ट होल्ड कर सकता है कॉनिकल पार्ट से, कितना 12 जग, डेट मीन्स नंबर ऑफ जग कितना आया हमारा 12 जग ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक टॉय दे दिया गया है, ठीक है, तो ये टॉय किस किस चीज से बना है, तो जो ये इसका लोअर पीछे वाला पार्ट है वो एक हेमिस्फीयर है, राइट, एंड जो मिड पार्ट है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एंड जो ये फ्रंट पार्ट है वो कोन है, ठीक है। सो ये टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंड्रिकल पार्ट एंड अ कोन, ओके, तो ये हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वो देख लेते हैं, ये हमारा हाइट है एंड ये भी हमारा हाइट है, तो h1 = 40 एंड h2 = 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज आवर रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोन में हमारा स्लैंट हाइट भी रहता है, राइट, तो स्लैंट हाइट हम लोग निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट हमको यहाँ पे नहीं दिया है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, l² = r² + h² ओके, तो रेडियस के कितना है हमारा 3, डेट मीन्स 3 स्क्वायर, हाइट क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, डेट इज 4 स्क्वायर, हम कोण का निकालें तो हम लोग ये वाला हाइट लेंगे, डेट इज 4 सेंटीमीटर, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू 25, डेट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारा लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके, हमने यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल लिया है, अभी हमें ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय निकालना है, तो क्या कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, तीनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस
कप्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कप्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये तीनों को प्लस करने के बाद ही हमें ये पूरा टॉय का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, देन इज इक्वल टू सबके वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं. कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल. ठीक है, दैट इक्वल्स टू हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है. कॉमन यहाँ पे पाए है, आर है, पाए आर एंड पाए आर, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं. तो बचा क्या यहाँ पे, 2 एंड एक रेडियस हमने बाहर निकाल लिया है, बट सेकेंड रेडियस तो यहीं पे रहेगा, प्लस 2 एच प्लस, क्योंकि पाया यहाँ पर हम बाहर कॉमन निकाले हैं हमें एल. ठीक है, पाई की वैल्यू हम ऐसे ही रखते फिलहाल के लिए. आर की वैल्यू क्या है हमारी, रेडियस कितना बोला है हमें, 3 बोला है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे हम, ब्रैकेट 2 इंटू आर डेट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एच. 2 इंटू एच, ये एच कौन सा हाइट लेंगे हम, ये एच था किसका, सिलेंडर का था, तो हाइट क्या है सिलेंडर का, 40, तो हम यहाँ पे 40 लेंगे प्लस एल, लेंथ हमने यहाँ पे निकाला था 5, तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं. ओके, नाउ 3 टू 6 प्लस 42 18 प्लस 5. ठीक है, दैट इज 80 प्लस 6 इज 86, 86 प्लस 5 इज 91. ओके, अभी ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 3 वन ज़ा 3 एंड 9 थ्री ज़ा 27, दैट इज 273 पाई सेंटीमीटर. ये है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज वैल्यू हमारा आ रहा है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट डाउन नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे सबका बेस सेम है. इफ कभी भी बेस सेम रहता है तो हम पाई की वैल्यू कभी भी पुट डाउन नहीं करते. ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमें, टॉय में 3 फॉर्म दिख रहे हैं, एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म और एक कोन. ठीक है, वो करने के बाद हमें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने बोला है, मतलब हम तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेके तीनों को ही प्लस करेंगे बिकॉज ये तीनों प्लस करने के बाद ही ये टॉय फॉर्म हो रहा है. ओके, तो तीनों के फॉर्मूलास पुट डाउन किए, फॉर्मूलास पुट डाउन करने के बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्या है, इन अ सिलेंड्रिकल रैपर रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm. ओके, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन अ रैपर. ठीक है, यहाँ पे एक टैबलेट के बारे में बात हो रही है एंड रैपर के बारे में बात हो रही है. ओके, तो टैबलेट का ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्या, कि उसका रेडियस 7 है एंड उसकी थिकनेस डेट मीन्स हाइट 5 है. ठीक है, रेडियस ऑफ टैबलेट डेट इज R1 कितना है वहाँ, 7 mm है. ठीक है, देन थिकनेस ऑफ टैबलेट विच मीन्स आवर हाइट, तो उसको हम H1 डिनोट कर लेते हैं, कितना है 5 mm. ठीक है, अभी इसको रैपर में रैप करना है. ठीक है, यानी यहाँ पे रैपर का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, रैपर का डायमीटर आपको दे दिया है 14 mm एंड उसका हाइट दे दिया है 10. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये रैपर में कितना है
टैबलेट्स रैप हो सकते हैं, हम वो फाइंड आउट करना है इसमें. ओके तो सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ रैपर लिख लेते हैं. तो उसको हम R2 डिनोट कर लेते हैं. आपको डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, डेट इज डिवाइड बाय 2. 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 mm. ठीक है, ये होने के बाद अभी हाइट पूछा है. हाइट ऑफ रैपर डेट इज H2, आपको यहाँ पे 10 cm बोला है, बट सारे फॉर्म मिलीमीटर में है. बस ये जो हाइट ऑफ रैपर है वो हमें सेंटीमीटर फॉर्म में दिया, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. डेट इज 10 × 10 इक्वल्स टू 100 mm. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है. ये इन्फॉर्मेशन है किसका, टैबलेट का, एंड ये है रैपर का. ठीक है, क्या पूछा है, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन अ रैपर. तो आप लिख लेते हैं नंबर ऑफ टैबलेट्स आर रैप्ड इन अ रैपर इन अ रैपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट. ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे H1 H2 एंड यह पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला पूछा है वॉल्यूम का. ओके तो वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं. पाई की वैल्यू फिलहाल हम एज इट इज ही रखेंगे. रैपर की रेडियस क्या है हमारे पास, 7 रेडी स्क्वायर है, तो हम लोग 2 × 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट कितना है, 100. ओके तो यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यह टैबलेट के, टैबलेट के हमारे पास रेडियस क्या है, 7. डेट इज 7 × 7 इंटू हाइट इज 5. ठीक है, अभी ये कैंसिल हो जाएंगे. 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7. यह 5 × 1 एंड 5 × 20. डेट मीन्स 20 टैबलेट्स रैप होंगे एक रैपर में. ठीक है, 20 टैबलेट्स आर रैप्ड इन अ रैपर. ओके,